आज है महाशिवरात्रि और थोड़ी मेहनत मेरी भागी मर्जी भोलेनाथ की। तो चलिए आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ मैं मुनमुन महाशिवरात्रि की पूजा, और मैं किस तरीके से करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो मैंने सुबह सुबह उठकर सबसे पहले ये पूजा करी और आप लोगों तक जल्दी से पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो जगह होती है गंगा जल से पूरा साफ कर दिया है, जहाँ पर भी हमको भगवान को स्थान देना है। उसके बाद मैंने पीला वस्त्र बिछाया है और उसके बाद हमारी जो भी भोलेनाथ का परिवार की फोटो है वो लगाएंगे, और साइड में एज ए डेकोरेशन के तौर पे आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो मेरे यहाँ पर ताजे फूल है, वहाँ से थोड़ा बहुत तोड़कर लेकर आई, वो मैंने साइड में लगा दिया। और देखो, सबसे पहले हमें दीप प्रज्वलित करना रहता है। कोई भी पूजा अर्चना करते हैं तो सबसे पहले दीपक को हमें जलाना रहता है। तो यहाँ पर मैं अखंड दिया स्थापित कर रही हूँ, तो मैंने एक प्लेट ली है, उसमें अपने अक्षत वगैरह, हल्दी, कुमकुम सब देकर दिया को एक स्थान दिया, फूल वगैरह देकर उसके बाद हमने दीप प्रज्वलित कर दिया, जो हमारा अखंड दिया है। अब मैं यहाँ पर एक प्लेट ली है, कांसे की, तांबे की, जो भी अगर आपके पास प्लेट है आप उसका इस्तेमाल करें। अभी हमें जो प्रभु का शिवलिंग है उसका हमें पूजा करना है, उनको स्नान कराना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सतिया बनाया, आप चाहे तो ओम भी बना सकते हैं, और अक्षत दिया, उसके बाद हमारे भोलेनाथ का जो शिवलिंग है वहाँ पर हमने उनको रख दिया। मतलब अभी हमें उन्हें स्नान कराना है गंगा जल से। गंगा जल बोले तो जल के अंदर थोड़ा आप गंगा जल डाल दो और पूरा गंगा जल बन जाता है, एक लोटा जल। हमारे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं एक लोटे जल से। उसके बाद देखिए, यहाँ पर दूध, दही, शहद, जो पंचामृत होता है वो, उससे भी स्नान करा दिया मैंने प्रभु को, भोलेनाथ को। और देखिए, यहाँ पर नंदी महाराज को भी, जो भी प्रभु के साथ है उस सब चीज़ों को स्नान कराना है। उसके बाद बाद में अच्छे से ज़रूर पोछना है, पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए भोलेनाथ के जो शिवलिंग है उस पर या नंदी जी पर, कहीं पर भी नहीं रहना चाहिए, उसको अच्छे से हमें पोछ कर उन्हें रखना है। अब देखिए, वो प्लेट हमने हटा दी, और वो जो पानी है वो आप किसी भी पेड़ पौधे में डाल दीजिएगा, सिर्फ तुलसी के पौधे में बिल्कुल भी ना डालें। अच्छा, अब उसके बाद मैंने दूसरी एक और प्लेट ली है ओम वाली। आपके पास जो भी थाली है, प्लेट है, वैसा ले लीजिए, मेरे पास है तो मैं यूज़ करती हूँ। अब देखिए, यहाँ पर भोलेनाथ का हमने स्थान दिया बेलपत्र लगा के, जो वहाँ पे पहले चंदन का टीका किया, फिर एक बेलपत्र रखा चंदन से, फिर उसके बाद भोलेनाथ को हमने शिवलिंग जो है वो बिठा दिया। अब उसके बाद हम वस्त्र रूपी सभी भगवान को, शिव परिवार को, जो अपना कलावा होता है वो पहनाएंगे। अगर आप चुनरी लाए हैं माता के लिए और प्रभु का जो भी आपका फोटो है उसके लिए, तो आप ज़रूर चुनरी पहनाएं। उसके बाद यहाँ पर जनेऊ हम सबको अर्पित करेंगे, भोलेनाथ को, फिर गणपति बप्पा को, कार्तिक भगवान को, फिर हमारे ये जो नंदी बाबा है इनको, सबको हमें जनेऊ ज़रूर चढ़ाना है, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी ही है, समझ लीजिए। उसके बाद हमें चंदन का टीका करना है, और वैसे आज के दिन हल्दी कुमकुम भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि आज जो है शिवरात्रि है, और शिवरात्रि का मतलब ही होता है पार्वती और भोलेनाथ की शादी। तो अब यहाँ पर देखिए, सबको मैंने चंदन का टीका करके, और जो भी मैं प्रभु के लिए फूल माला लाई हूँ सबों को अर्पित कर रही हूँ। जितने भी देवी देवता हैं वहाँ पर बैठे हुए, चाहे वो नंदी हो, चाहे वो शिवलिंग हो, और भी डमरू, त्रिशूल, सबके नाम का हमें वहाँ पर फूल अर्पण करना है। और अगर इतने फूल नहीं है तो एक फूल भी काफ़ी होता है हमारे प्रभु के लिए। प्रभु ये नहीं कहते कि बहुत सारे फूल चढ़ाओ। अब देखिए, यहाँ पर बेलपत्रा मैं चढ़ा रही हूँ, बेलपत्रा पे टीका करना है, और बेलपत्रा को उल्टा करके हमें प्रभु के ऊपर रखना है, और उसके बाद धतूरे का फूल, जो भी आपके पास है भोलेनाथ पर, ये ज़रूर चढ़ाए। उसके बाद देखिए, अभी मैं तिल चढ़ा रही हूँ। तिल बहुत शुभ होता है आज के दिन, जो भी विपत्ति होती है वो सब नष्ट हो जाती है हमारी। और उसके बाद मैं यहाँ पर प्रभु को धूप दिखा रही हूँ, लेकिन हाँ, उससे पहले मैंने थोड़ा घंटी बजाया था, वो क्लिप मिस हो गया, तो पहले घंटी बजाइए थोड़ी सी, उसके बाद फिर धूप दिखाएं प्रभु को।
फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी हम प्रभु को भोग देते हैं, आज के दिन हो सके तो बेर ज़रूर चढ़ाने चाहिए, और जो भी सीजनल फ्रूट है वो आप ज़रूर चढ़ाएं, ड्राई फ्रूट चढ़ाएं और एक लोटा जल चढ़ाएं, मतलब रखे प्रभु के सामने। उसके बाद यहाँ पर जो भी माता रानी की, जो हमारी पार्वती माँ है, उनके लिए सुहाग का जो भी सामान होता है, आजकल ऐसे पैकेट में बहुत आसानी से किसी भी पूजा का सामान जहाँ मिलता है वहाँ मिल जाता है, और वो लेकर आएँ, और दान दक्षिणा जो भी आप अपनी श्रद्धा अनुसार करना चाहते हैं वो रखें और माँ पार्वती को दिखा कर रख दें। उसके बाद हम आरती करेंगे कपूर की, और जो भी हमारे यहाँ पर गणपति बप्पा की सबसे पहले आरती करके भोलेनाथ की, माँ पार्वती की आरती करके उनको आरती दिखा देंगे। ऐसे इस तरीके से हमारी पूजा संपन्न होती है और भगवान से हाथ जोड़ेंगे अभी, और उससे पहले हम आचमन कर लेंगे 3 बार ऐसे करके पानी को घुमा के, और हमारी पूजा संपन्न हो गई। तो इस तरीके से आप अपने भोलेनाथ की पूजा आज के दिन आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल तामझाम ज़्यादा नहीं चाहिए, फूल वगैरह मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो प्रभु एक फूल से भी खुश हो जाते हैं। तो इस तरीके से आज की मेरी पूजा जो है वो संपन्न हुई गाइस। शेयर किया तो आज की जो मेरी पूजा थी वो मैंने किस तरीके से की आप लोगों तक मैंने शेयर किया। आप में से काफी फ्रेंड जो जिनको पूजा नहीं आती है तो आप इस तरीके से पूजा कर सकते हैं, और मुझे जैसी आती है वो मैंने आप लोगों तक पहुंचाई। और अभी भी टाइम है, शाम को आप पूजा अर्चना कर सकते हैं भोलेनाथ की। आज का पूरा दिन जो है वो भोलेनाथ के नाम पर ही है, ऐसा पहर होती है तो आप रात को भी पूजा कर सकते हैं। शिवरात्रि का मतलब ही होता है कि शिव की पूजा अर्चना करना। तो बस इसी के साथ आज का जो मेरा एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और बस अभी तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और आपको मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से हैप्पी महाशिवरात्रि गाइस। और अभी तक वीडियो देखने के लिए फिर से कह रही हूँ धन्यवाद करती हूँ। चलो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय, हैप्पी महाशिवरात्रि, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।